नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम इकोनॉमी की सीरीज़ में अपने में बजट की सीरीज़ लेके चल रहे थे, और इस बजट की सीरीज़ में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें देखा था कि न्यू इकोनॉमी क्या है और व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इकोनॉमी, यानी नई इकोनॉमी की क्या अवधारणा है, कैसे ये क्लासिकल इकोनॉमी से भिन्न है। आज हम इस बजट की सीरीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकेंड सेगमेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसे हिंदी में कहते हैं अवसंरचना। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बजट की जो सेंट्रल थीम है वो ईज ऑफ लिविंग है, जो केंद्र में दिखाई गई है। और बजट डॉक्यूमेंट में इसे एक बुके बताया गया है, एक गुलदस्ता बताया गया है, एक फूलों का गुलदस्ता। और इस फूलों के गुलदस्ता को थामने वाले जो दो हाथ हैं वो देखो आप लेफ्ट राइट से दिखाए गए हैं, गवर्नेंस और फाइनेंशियल सेक्टर। इस ईज ऑफ लिविंग के गुलदस्ता में तीन फूल हैं, पहला है एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरा है केयरिंग सोसाइटी। एस्पिरेशनल इंडिया के भी तीन घटक हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं एस्पिरेशनल इंडिया के तीन घटक हैं, तीन कंपोनेंट हैं। पहला एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, दूसरा है वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, तीसरा है एजुकेशन एंड स्किल। ईज ऑफ लिविंग का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी तीन घटक हैं, तीन कंपोनेंट हैं। पहला है इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है न्यू इकोनॉमी। ठीक इसी प्रकार केयरिंग सोसाइटी के भी तीन कंपोनेंट हैं, वुमेन एंड चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर, दूसरा है कल्चर एंड टूरिज्म और तीसरा है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हम इस गुलदस्ता के फूल नंबर दो यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शाखा दो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक अत्यधिक मात्रा में बल दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये बात इस बात से समझ में आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम अगले 5 सालों में 100 लाख करोड़ यानी 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। तो आज हम अपनी वीडियो में ये देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आया कहाँ से, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्या इसके प्रकार हैं, भारत में क्या क्या इसके प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है वीडियो का, हो सकता है ये 3-4 वीडियो ले लें, तो हम लोग इसे बिल्कुल वेरी बेसिक से डिस्कस करेंगे, बहुत ही आधारभूत समझ विकसित करके चलेंगे। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हिंदी में कहते हैं अधोसंरचना या अवसंरचना, ठीक है, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, लिटरल मीनिंग की बात करें कि इसके शाब्दिक अर्थ क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले इसे फ्रांसीसी भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द के रूप में ही यूज किया गया था। बात है 1875 की, यानी 1875 में फ्रेंच लैंग्वेज में सबसे पहले इस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का यूज किया गया। वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर जो शब्द है, जो वर्ड है, वो दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो दो लैटिन शब्द कौन कौन से हैं, तो पहला है इंफ्रा और दूसरा है स्ट्रक्चर। इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, मतलब नीचे, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है फैब्रिकेशन या स्केल्टन या फाउंडेशन, जो भी आप कहें, जिसका मतलब होता है ढांचा। देखो, इंफ्रा एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब होता है इंग्लिश में जो भी किसी शब्द के पहले आता है, ठीक है। इंफ्रा का मतलब होता है नीचे, जिसकी क्वालिटी जो भी हो, लेकिन जो नीचे रहता है। स्ट्रक्चर का मतलब एक ढांचा। कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो एक किसी भी वस्तु के नीचे काम करता है। जैसे हम लोग जब मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, तो उसके नीचे नींव भरनी पड़ती है, हमको फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है, जस्ट लाइक द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। जिस प्रकार बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, ठीक उसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर होता है,
जो बिल्डिंग का फाउंडेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है एक तरह से देखें हम लोग तो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है नीचे वाली संरचना जिस पर कोई एक बड़ी संरचना आगे खड़ी की जानी है। बिना इस संरचना के यानी बिना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार के न्यू स्ट्रक्चर की हम कल्पना तक नहीं कर सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने शाब्दिक अर्थ देखा कि सबसे पहले इसे फ्रांस यानी फ्रांसीसी भाषा में जब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया गया था जो दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है, इन्फ्रा का मतलब होता है नीचे और स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। चलिए आगे बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसका लिटरल मीनिंग है। अभी तो हम लोगों ने शब्दों को तोड़ा है, शब्द को तोड़ा है कि ब्रेकअप किया है उसको कि कैसे इंफ्रा और स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। डेफिनेशन कहती है द इंस्टॉलेशन दैट फॉर्म द बेसिस फॉर एनी ऑपरेशन और सिस्टम। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कुछ स्थापित करना, जैसे आप अपना मोबाइल खोलते होंगे तो उसमें लिखा रहता है इंस्टॉल द ऐप, यानी जब आप गूगल प्ले यानी प्ले स्टोर से अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा इंस्टॉल द ऐप, यानी वो फाउंडेशन बनाओ जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं उस ऐप के माध्यम से, वो ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल की शुद्ध हिंदी होती है अधिस्थापित करना, यानी कोई चीज़ स्थापित करना। अधि का मतलब होता है नीचे, स्थापित मतलब स्थापित, यानी पहले से उसको बेस स्थापित करना। तो इंस्टॉलेशन का मतलब होता है ऐसी संरचना, बेस संरचना। इंस्टॉलेशन की शुद्ध हिंदी होती है अधिष्ठापन। तो ऐसे अधिष्ठान या ऐसे अधिष्ठापन जो किसी भी संक्रिया या तंत्र यानी ऑपरेशन या सिस्टम, जो किसी भी ऑपरेशन या सिस्टम को चलाने के लिए आधार प्रदान करते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर जो किसी भी कार्य या तंत्र को चलाने के लिए एक आधार प्रदान करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। ये इसका लिटरल मीनिंग था, एक शाब्दिक अर्थ था। इसका डिफाइनिंग मीनिंग क्या है, पारिभाषिक अर्थ क्या है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए इससे पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी वाले भी ये समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में अवसंरचना कहते हैं या अधोसंरचना कहते हैं। तो हम इस अधोसंरचना के शब्द को भी दो भागों में ब्रेकअप कर सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं। अधो प्लस संरचना, अधो माने होता है नीचे, जैसे हम लोग कहते हैं अधोगामी, इसका मतलब जो एकदम नीचे चला गया हो। ठीक, तो संरचना का मतलब संरचना, जो कोई भी ढांचा हो। तो ऐसी संरचना जो नीचे रहकर किसी भी नई संरचना को जो आधार प्रदान करती है, जो बेस प्रदान करती है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। इसके लिए जो अन्य शब्द हैं वो हैं सब स्ट्रक्चर, हिंदी में एक दो ही शब्द प्रचलन में हैं ज़्यादातर, अधोसंरचना और संरचना या अवसंरचना। इंग्लिश में है सब स्ट्रक्चर या बैक स्ट्रक्चर या फाउंडेशन या बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए देखते हैं अब इसकी डिफाइनिंग मीनिंग क्या है, क्या है इसकी परिभाषा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पारिभाषिक रूप में हम लोग कह सकते हैं कि दोज फंडामेंटल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, यानी वे आधारभूत सुविधाएं एवं सेवाएं, फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधा, सर्विसेज माने सेवाएं, वे आधारभूत सुविधाएं एवं सेवाएं जो क्या करती हैं, जो जरूरी हैं, किस चीज़ के लिए जरूरी हैं, नेसेसरी टू रन ए इकोनॉमी, जो एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक हैं, जो जरूरी है किसी संगठन को चलाने के लिए, जो जरूरी है एक समुदाय के लिए। यानी अगर मकान नहीं होते, बिल्डिंग्स नहीं होती, तो समुदाय कहाँ रहते। अगर लोगों में समझ नहीं होती यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो लोग समाज में कैसे रहते। इन दिस सेंस अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ भी अवसंरचना का या अधोसंरचना का या इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है जिसके आधार पर कोई चीज़ चल सकती हो, बिना उसके कुछ चलना संभव ही नहीं है। तो डिफाइनिंग मीनिंग में क्या है कि वे आधारभूत सेवाएं एवं सुविधाएं जो किसी भी देश की इकोनॉमी, संगठन या उसके समुदाय को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, वे वही आधारभूत सुविधाएं एवं सेवाएं, वही फंडामेंटल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं। ये तो इसका डिफाइनिंग मीनिंग था। लेकिन हम जनरली अखबारों में या इन जनरल यानी जो सामान्य रूप से किसी को भी पूछोगे तो आप यही बताने की कोशिश करेगा कि ये होता है। तो वो मीनिंग क्या है जिसे जनरली पॉपुलरली जो यूज़ किया जाता है, जो सर्वाधिक यूज किया जाता है, तो वो क्या है, द फिजिकल कंपोनेंट। जनरली लोग लगाते हैं कि अरे वो सड़क, रेल, पुल, बिजली, यही सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जनरल सेंस में यही है इंफ्रास्ट्रक्चर।
बाकी आप समझ गए होंगे इतना कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वे आधारभूत सेवाएं एवं सर्विस सेवाएं एवं सुविधाएं जो किसी भी देश की इकोनॉमी या उसके संगठन या किसी समुदाय को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं। तो इन जनरल सेंस में है कि वे फिजिकल कंपोनेंट, वे भौतिक तत्व, कौन से भौतिक तत्व, ऐसे भौतिक तत्व जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जो किसी तंत्र के हैं, वो जो किसी सिस्टम के घटक हैं, दे आर द एलिमेंट ऑफ सिस्टम, और ऐसे सिस्टम जो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी जनरल सेंस में क्या है कि आपस में गुथे हुए तंत्रों के ऐसे भौतिक घटक जो वस्तु एवं सेवा प्रदान करने में सहायता करते हैं, साथ ही वो सोसाइटी की लिविंग कंडीशन को योग्य बनाने के लिए वो लगातार चलती रहे, लिविंग कंडीशन यानी कि जो जीवन दशा है वो लगातार बनी रहे और वो बनने के योग्य बनी रहे और सोसाइटी की लिविंग कंडीशन को ऊपर उठाया जा सके। यानी ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले तंत्रों के वे भौतिक घटक, कौन से भौतिक घटक, जो वस्तुओं एवं सेवाओं को यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं ताकि सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठ सके। यानी इन जनरल सेंस में क्या है, वे भौतिक घटक हैं, इन जनरल सेंस द फिजिकल कंपोनेंट फॉर प्रोवाइडिंग द कमोडिटीज एंड सर्विसेज सो दैट वी कैन अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। यानी वे सभी भौतिक घटक जो वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जिससे कि हम किसी भी समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। चलिए अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या कोई प्रकार भी हैं, क्या कोई इसको क्लासिफाई भी करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। जनरली क्लासिफिकेशन जो आज के दौर में है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वो है इस प्रकार है, एक है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूसरा है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड और सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि जो जनरली जो हार्ड होता है वो निश्चित ही फिजिकल फॉर्म में होगा, एक भौतिक अवस्था में होगा, आप उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टच कर ही लेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले हम लोग बात करते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में वे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं या वे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं या वो फिजिकल असेट्स होती हैं, वो भौतिक परिसंपत्तियां होती हैं, कौन कौन सी, जिसमें हम लोग शामिल करते हैं क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनिंग, यानी कच्चे तेल को निकालना और उसको रिफाइन करना यानी उसका शोधन करना। तो ये सुविधाएं, यानी कौन सी सुविधाएं, जो कच्चे तेल को निकालने के योग्य बनाती हैं और उसे रिफाइन करने के योग्य बनाती हैं, वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो विद्युत हम लोग जनरेट कर पाएँ, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसके अंतर्गत आता है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक इसी प्रकार कोयला इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये भी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। जनरली जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम लोग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। कोर का मतलब होता है एकदम आंतरिक हिस्सा, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वह आधारभूत में से भी आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश के लिए, किसी भी संगठन समुदाय के लिए, उसकी संक्रियाओं के लिए, ऑपरेशंस के लिए, सिस्टम्स के चलाने के लिए अति आवश्यक हो। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल करते हैं, क्रूड ऑयल को एक्सप्लोरेशन करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग भी है, ठीक, उसके बाद सीमेंट है, और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन की सुविधाएं भी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल की जाती हैं, चाहे वो रोड हो, रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो शिपिंग यानी जहाज रानी हो। प्लस कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन मतलब संचार, तो संचार की सुविधाएं भी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका जो फिजिकल कंपोनेंट है वो हम लोग देख सकते हैं, वो भौतिक है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो पाता है पूरी तरह से। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जनरली अगर हम बात करेंगे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मृदु अवसंरचना एक ऐसी अवसंरचना है, एक ऐसी सेवाएं हैं जो लोगों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती हैं, वे स्पेशलाइज सर्विसेज हैं। यानी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाले ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज टू द पीपल, यानी जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सेवाएं आती हैं वे सभी सेवाएं
विशिष्ट सेवाएं होती हैं, कोई सामान्य सेवा नहीं होती है। और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सेवाएं मिलती हैं हमको, वो निश्चित ही ह्यूमन कैपिटल पैदा करती हैं, एक मानव पूंजी बनाती हैं। ह्यूमन कैपिटल बनाएंगी, सोशल कैपिटल बनाएंगी, मानव पूंजी तैयार करेंगी, सामाजिक पूंजी तैयार करेंगी, ठीक। और इस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ना सिर्फ वे सेवाएं शामिल की जाती हैं जो मानव पूंजी का निर्माण करती हैं, बल्कि उन सेवाओं को प्रदान करने वाले इंस्टीट्यूशंस, वो संस्थाएं भी शामिल की जाती हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य रूप से शामिल होता है, भौतिक अवसंरचना वहाँ शामिल की जाती है, जबकि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत न सिर्फ भौतिक बल्कि अभौतिक, जैसे हम किसी को शिक्षा दें तो शिक्षा देना कोई भौतिक चीज़ नहीं है, लेकिन शिक्षा देने के लिए जो संस्थान चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो भौतिक हैं। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहीं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल के साथ साथ इनटेंजिबल भी है, अर्थात अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जिसे हम लोग देख नहीं सकते। जनरली हम लोग सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल करते हैं, तो क्या क्या शामिल हैं, एजुकेशनल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस देयर ऑफ, यानी कि शिक्षा सेवाएं देना, शिक्षा की सेवाएं देना और उस सेवाओं को देने वाले संस्थान, हेल्थ सर्विसेज और उसके भी संस्थान, यानी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले भी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग वगैरह हुआ, तो ये भी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे पुलिस हैं, कई आर्मीज हैं, तो ये क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट करती हैं यानी कानून को लागू करवाती हैं, तो ये भी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। और जो सरकार अपने माध्यम से जो सेवाएं प्रदान करती है, वो भी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। चलिए, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न टाइप क्लासिफिकेशन क्या था, वो जनरल क्लासिफिकेशन के रूप में हमने जो देखा है वो मॉडर्न टाइप क्लासिफिकेशन है। आजकल दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासिफाई करती है, यानी कठोर और मृदु अवसंरचना में बांटती है। लेकिन कुछ अन्य क्लासिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो सिर्फ हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं कि उसके आगे कोई क्षेत्र का नाम जोड़ देते हैं, कोई स्पेशल एरिया जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे एग्रीकल्चर जोड़ दिया, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कुछ नीचे जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसा जो शहरों से जुड़ा हुआ हो, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैं अभी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा था तो उसी समय मैंने बताया था कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो समझ लेते हैं इस बात को। तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रुप में से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे निकाल दें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं होगा। जैसे कि आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, तो पॉलिटी में इंडिया के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित किया है, यानी संविधान का मौलिक ढांचा बताया है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर संविधान के इस मौलिक ढांचे को निकाल दें तो संविधान में कुछ बचेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में से अगर उन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल दें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास कुछ बचना नहीं है। और कोर में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, जनरली स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है। ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कोर का मतलब होता है एकदम अंतरतम, यानी उसके बिना कुछ संभव नहीं है। अगला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुख्य रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सीलरेट करता हो, बढ़ाता हो, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो समाज को चलाने के लिए आवश्यक हो, समाज के उत्थान एवं विकास के लिए, यानी फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सोसाइटी के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम लोग सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और भी हैं जो भी आप करना चाहें, विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी मेड। लेकिन यहाँ जो एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ जो कलर करके दिखाया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे 2005-06 में, यानी 2005 and 2006 इकोनॉमिक सर्वे में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया गया था, तो दो टाइप में किया गया था, फिजिकल, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वही आता है जो जैसा हमने डिस्कस किया है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, कुल मिलाकर के ऐसी बात है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो सोशल बॉन्डिंग को बना के रखे, यानी सामाजिक बंधनों को बना के रखे। बंधनों का मतलब यहाँ नकारात्मक अर्थ में नहीं है, सामाजिक बंधनों का मतलब सोसाइटी को रन करने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए जो आवश्यक मूल्य हैं, वो जो आवश्यक सेवाएं हैं, वो
वो कहलाते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे जल आपूर्ति है तो जल आपूर्ति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सफाई है तो क्लीनलीनेस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवेज की सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भी चीज़ें हैं जैसे लोगों में मिलन जुलन, मनोरंजन के साधन, ये सब क्या है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लिटरल मीन क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका डिफाइनिंग मीन्स क्या था, उसके बाद हम लोगों ने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर का कि क्या क्लासिफिकेशन किया जाता है, जनरली हार्ड एवं सॉफ्ट में किया जाता है, और अन्य क्लासिफिकेशन क्या है, और इकोनॉमिक सर्वे यानी इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे 2005-06 में इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन कौन भागों में बांटा गया, तो भौतिक और सामाजिक था, आप लोग जानते होंगे। चलिए हमारा अब जो नया टॉपिक है इसी में, वो है कि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कुल मिलाकर के अवसंरचना के कौन से लक्षण हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ग्लोबली क्या इसके गुण हो सकते हैं, वैश्विक रूप से इसे किस रूप में समझा जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इसका कहने का मतलब है कि एक गतिशील अवधारणा है, अर्थात ऐसी अवधारणा जो समय के साथ बदलती रहे। इसके दो अर्थ निकल के आते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी निरंतर इसमें निवेश की आवश्यकता होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चलो पर्याप्त, हमने पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर लिया है, वी हैव एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कांट नेवर से इट। आप कभी नहीं कह सकते इस बात को कि ये पर्याप्त हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले आधारभूत सेवाओं का जो कॉन्सेप्ट था उसमें रोटी कपड़ा मकान को शामिल करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो बेसिक नीड का कॉन्सेप्ट होता है, जो आधारभूत आवश्यकताओं का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी डायनामिक कॉन्सेप्ट है। और आज उसमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, इस सब को शामिल करने लगे हैं। तो ठीक इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट इस अर्थ में भी क्योंकि इसमें लगातार निवेश की आवश्यकता है, और इस अर्थ में भी कि ये कभी पर्याप्त नहीं हो सकता, ये कभी एडिक्वेट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। देश को ग्रो करने के लिए आपको लगातार निश्चित रूप से कंटिन्यूअसली यू हैव टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी निवेश के रूप में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना ही पड़ेगा, तभी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, अदरवाइज वो स्टैग्नेंट स्टेज में चली जाएगी, ठहराव की स्थिति में चली जाएगी, और जब कोई चीज़ ठहर जाती है तो उसे बिना से कोई नहीं बचा सकता है। ठीक, तो दूसरा उसका जो फीचर है, यानी पहला फीचर हम लोगों ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेषता क्या होती है, पहला है कि वो डायनेमिक होता है, दूसरा है कि ये किसी भी इकोनॉमी को प्रसीड प्रदान करता है, प्रसीड का मतलब होता है पहले ये विकसित होता है तब इकोनॉमी चल पाती है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रेल रोड, एयरपोर्ट, शिपिंग, ये पहले तो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये पहले तो नहीं था लेकिन इकोनॉमी पहले भी चलती थी, तो आप लोग को समझना चाहिए तब इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल लो था, रास्ते पहले भी थे वो कच्चे थे, ऊर्जा पहले भी थी, मिट्टी का तेल जलाते थे। इसके साथ साथ आप लोग अभी समझ रहे होंगे सिंचाई की सुविधाएं थी, भले ही वो वर्षा से हो, नहरों से हो, लेकिन थी, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो चल ही नहीं सकती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी विशेषता क्या है कि ये इकोनॉमी को लीड करती है, इकोनॉमी को आगे ले जाती है, यह इकोनॉमी का क्या क्या बोल सकते हैं कि ये प्रीकर्सर है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहा है तो इसका निश्चित प्रभाव ये निकल के आएगा कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर सकती है। तो तीसरा इसकी जो विशेषता है, पहली थी डायनामिक कॉन्सेप्ट है, दूसरी है कि ये इकोनॉमी को प्रोसीड करती है, तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा नहीं है कि चलो साहब हम आपको दिन के 10 घंटे आपको रोड उपलब्ध करा देंगे उसके बाद रोड हटा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि ये फैसिलिटी, ये सिस्टम 365x24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए, यानी साल के 365 दिन और 365 दिन के 2400 घंटे हर समय अवेलेबल होना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बात यह है कि आप ये ना सोचें अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अगर आपकी कोई चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़राब हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो प्लांट था वो मतलब ख़राब हो गया, तो आप ये नहीं कि चलो वो ख़राब होगा तब हम उसमें सुधारेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं मांगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोएक्टिव मेंटेनेंस मांगता है, यानी पूर्व सक्रिय, ख़राब होने से पहले उसे देखते रहो। जैसा आप लोगों ने देखा होगा अगर कभी आप रेल के रास्ते से, रेलवे के से गए हों, तो ट्रेन के साथ साथ बहुत सारी मशीनें वहाँ लगी रहती हैं जो ऑलरेडी चेक करती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं सोचता कि पहले डिरेलमेंट हो जाए,
कि पहले गाड़ी पटरी से उतर जाए फिर उसके बाद ठीक कर लेंगे, नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये विशेषता जुड़ी हुई है कि वो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस मांगता है, ना कि रिएक्टिव, प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रियतात्मक, सक्रिय मेंटेनेंस चाहिए उसको, तभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहेगा, अदरवाइज वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नहीं कहा जा सकता। और अगली जो विशेषता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करते समय आपके पास एक दूरदृष्टि होना चाहिए, एक फार साइट होना चाहिए, एक दीर्घकालीन, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, एक दीर्घकालीन आपके पास स्कोप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं, कोई 10 साल लेता है, कोई 15, कोई 20, और जब तक आप 15 साल में उसे कंप्लीट कर पाओगे तब तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो आप अभी से ये सोच के चले, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे अभी से कि चलिए इसे अगले 25 साल तक ये काम करेगा, तभी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से काम कर पाएगा, अदरवाइज ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जनरली जैसा भारत में होता है, भारत में क्या होता है, भारत में ये होता है कि चलिए अभी रोड पर भीड़ ज़्यादा हो गई है, अब इसे 2 लेन से 4 लेन कर देते हैं, तो जब तक वो 4 लेन हो पाता है तब तक भीड़ इतनी हो जाती है कि वो 6 लेन की रिक्वायर करने लगती है। तो यदि पहले से ही 6 लेन कर लेते तो हमको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चौथी विशेषता है, जो चौथा फीचर ये है कि इसको डेवलप करते समय, इसको बिल्ड करते समय आपके पास दूरदृष्टि होना चाहिए, दीर्घकालिक योजना होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद है अगली विशेषता जो पांचवी है, वो ये है कि हम लोग इसे वैश्विक नज़रिए से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा, यानी मस्ट बी सीन फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्योंकि निश्चित रूप से हमें इसे वैश्विक नज़रिए से देखना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि जैसे अभी क्या कहते हैं नितिन गडकरी जी, हालांकि मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सड़क परिवहन मंत्रालय के हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन्होंने वो कहते हैं कि अभी यहाँ जो है वो 27 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाई जा रही है भारत में, पहले भारत में इतनी बनती थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इंडिया के कंटेस्ट में ही, इंडिया के संदर्भ में ही तुलना नहीं कर सकते। इस बात से क्या मतलब कि पहले क्या बना था भारत में और अब आप क्या बना रहे हो, मतलब इस बात से है कि दुनिया के देशों में कितने किलोमीटर सड़क बन जाती है एक दिन में। क्या सिर्फ चाइना में देखो, चाइना में एक दिन में 100 किलोमीटर सड़क बना देते हैं। तो हमको तुलना अगर करनी है तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से करनी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक खास विशेषता यह है कि इसको हमें वैश्विक संदर्भ में ही देखना होगा। अगर हम लोग वैश्विक संदर्भ में नहीं देखेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने। अगली विशेषता है कि इट हैज़ ऑलवेज गॉट टू बी इफेक्टिव, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर किए जा रहे हैं उसका कोई लाभ ही नहीं है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव टाइम इफेक्टिव भी नहीं है, यानी ना तो उसे समय बच पा रहा है ना उसे लागत बच पा रही है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से कोई मतलब नहीं है, फिर तो कुल मिलाकर के फालतू का चाखी चलाना हो गया, खाली चाखी चलाना जिसमें कोई अनाज ना डालो, तो क्या फ़ायदा, चलाते रहो अनाज निकलेगा नहीं, उसमें से आटा निकलेगा नहीं, तो क्या फ़ायदा है। तो जैसे कि हम आप एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे यूपी के जेवर में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है, कोई भी प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड तब कहलाता है जब वहाँ पहले से कोई प्रोजेक्ट ना हो, यानी जेवर में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है और वहाँ उस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, तब ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। अगर ऐसे ही कोई मतलब सी पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह विकसित किया जाता जहाँ पहले कोई बंदरगाह नहीं है, तो वो भी क्या कहलाता, वो ग्रीन फील्ड शिप पोर्ट कहलाता, ठीक। जैसे कि महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट यानी वाधवन बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, तो वाधवन जो बंदरगाह है वो ग्रीन फील्ड पोर्ट है। और वे प्रोजेक्ट जो पूर्व पहले से ही वहाँ कोई प्रोजेक्ट था और वहीं आप उसको मेंटेनेंस उसका कर रहे हो और उसी को रिबिल्ड कर रहे हो, उसी को फिर से बना रहे हो, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। यानी अगर आप नए स्थान पर नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तब वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। और ध्यान रखें, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है, ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं। ग्रीन प्रोजेक्ट वे प्रोजेक्ट होते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अगर ग्रीन भी है तो 4 चांद लग जाएंगे प्रोजेक्ट में, फिर तो अच्छी बात है, पर्यावरण के अनुकूल भी हो, ग्रीन फील्ड भी हो। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट कहलाते हैं जो पहले से ही किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, जो पहले वहाँ कोई चीज़ हो, ठीक। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा अभी तक,
कि जैसे मान लीजिए कि जेवर में हम लोग जो हवाई अड्डे विकसित कर रहे हैं, उस हवाई अड्डा को विकसित करने से कोई आसपास के क्षेत्रों को लाभ नहीं होता है, ना तो उनको टाइम की बचत होती है, ना माल की ढुलाई में लागत कम होती है, तो फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो वास्तविक अर्थों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार कि ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, लगातार बदलता रहता है। दूसरी बात यह है कि ये इकोनॉमी को लीड करता है, और तीसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो तभी कहलाएगा जब वो साल के 365 दिन और 24 घंटे अवेलेबल रहे, और चौथी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर के विकसित किया जाता है, और पांचवी बात यह है कि इसे वैश्विक संदर्भ से समझा जाना चाहिए, और छठी बात यह है कि वो प्रभावी होना चाहिए। चलिए आगे का टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमी, यानी क्या सिग्निफिकेंस है उसका, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम जनरली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से। ठीक, तो इंडिया की इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है 2019-20, तो उस 2019-20 में जो महत्व बताया गया है, जो इम्पोर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी के लिए बताया गया है, हम उसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहली लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है वो क्या दी गई है कि इट इज़ वेल एक्सेप्टेड नोशन, यह बहुत ही अच्छी तरह स्वीकार की गई अवधारणा है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से ग्रोथ होगी, और ग्रोथ कैसी होगी, वो भी इंक्लूसिव होगी, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट एक दक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना पड़ेगा, आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना पड़ेगा, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम विकास करेंगे तो ग्रामीण और शहरों के, ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों के बीच में अंतर कम होगा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल करेगा, शहरी क्षेत्रों को भी शामिल करेगा, कृषि को भी करेगा, उद्योगों को भी करेगा, सेवा क्षेत्र को भी करेगा। जब सारे क्षेत्र शामिल होंगे, सारे भौगोलिक क्षेत्र शामिल होंगे, सभी गतिविधियां शामिल होंगी, सभी लोग शामिल होंगे, तो ऐसी जब ग्रोथ होगी तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ ही होगी, एक समावेशी विकास होगा। ठीक, तो पहली बात तो यह है कि ये वेल एक्सेप्टेड नोशन है और हम इसे ठुकरा नहीं सकते, इसलिए भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक सिद्धांत के रूप में काम करता है। दूसरी बात उसमें बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि अगर पावर शॉर्टेज हो, यानी अगर हमारे पास शक्ति के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पावर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ना हो पाएगी, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि हम जो पहले से चले आ रहे हैं, यानी जो पुराने खर्चीले संसाधन हैं ऊर्जा प्राप्त करने के, हमारी निर्भरता उन पर बढ़ जाएगी, और जब ऐसा होगा तो हम पर्यावरण को हानि पहुँचाएंगे, साथ ही हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होगा वो भी डाउन हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि एक तो वेल एक्सेप्टेड नोशन है इसलिए भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व देना चाहिए, दूसरी बात यह है कि अगर पावर शॉर्टेज हो जाएगी तो पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही होगा, हमारा व्यय भी ज़्यादा होगा, हमारा एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा, और हम इनसफिशियंट या इनएफिशियंट, इनसफिशियंट और इनएफिशियंट एनर्जी सोर्सों पर डिपेंड होंगे जो किसी काम के नहीं होते, यानी अदक्ष और गैर कार्यकारी, उनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसी एनर्जी सोर्सों पर निर्भर होने का क्या मतलब है। इसीलिए हम एनर्जी शॉर्टेज ना हो, पावर शॉर्टेज ना हो, हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं अब। ठीक, आगे है इन एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट, यानी उसमें इकोनॉमिक सर्वे में आगे बताया गया है कि अगर हमारे पास अपर्याप्त परिवहन है, अगर अपर्याप्त परिवहन है तो उसके क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। नुकसान ये होगा कि जो हम लोग रॉ मटेरियल एंड कच्चा माल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेल रोड सड़क नहीं है आपके पास, जब जहाज रानी आपकी विकसित नहीं है, तो रॉ मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे फैक्ट्री तक, यानी रॉ मटेरियल की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, बॉटल नेक क्रिएट होगा, एक बाधा क्रिएट होगी, और अगर फैक्ट्री तक पहुंच भी गया कैसे भी, तो फैक्ट्री से कंज्यूमर तक ले जाने में भी तो प्रॉब्लम होगी, और इसलिए हमको इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, अपर्याप्त नहीं बल्कि सफिशियंट, एफिशियंट, एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट चाहिए, और ट्रांसपोर्ट के वे सभी मोड अवेलेबल होने चाहिए, वो सभी साधन अवेलेबल होने चाहिए जो हमको चीप एंड बेस्ट मोड दे सकें, सस्ता और सबसे बढ़िया साधन दे सकें। तो अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हम इन दोनों के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी बच सकते हैं। ठीक, अगला है जो महत्व बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में वो है कि रूरल कनेक्टिविटी। वो कहते हैं कि अगर पुअर रूरल कनेक्टिविटी होगी, देखिए मैं बार बार इकोनॉमिक सर्वे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज दैट इज़ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड जनरली
एनी कमीशन फॉलोज द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, और कोई भी कमीशन हो तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को फॉलो करता है, और कोई भी प्रोफेसर हो, कोई भी स्कॉलर हो, जनरली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व बताते बताते तो एक किताब लिख जाती, किताब लिख सकते थे, लेकिन हमको उतने की आवश्यकता नहीं है, हमको सरकारी डॉक्यूमेंट पर निर्भर होकर के अपना काम करना है। तो अगला इसके लिए महत्व क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो रूरल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी का मतलब गांव आपस में जुड़ पाएंगे, गांव से गांव जुड़ पाएंगे, गांव शहरों से जुड़ पाएंगे, गांव इंडस्ट्री से जुड़ पाएंगे, गांव खेतों से जुड़ पाएंगे। अगर रूरल कनेक्टिविटी पुअर है तो निश्चित रूप से जो फार्मर्स होंगे उनको वो उत्पादन करने में ही दिक्कत होगी, उत्पादन करने में दिक्कत होगी। चलो उत्पादन कर भी लिया, उन्होंने प्रोडक्शन कर भी लिया, तो उनको मार्केटिंग कैसे करेंगे, विपणन कैसे करेंगे, वो बाजार तक कैसे ले जाएंगे? और जब उसको पता है कि अगर बार बार हम आते जाते रहेंगे तब तक हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, सड़क इतनी ख़राब है, पता चला कि ट्रैक्टर उसी में फंसा रह गया, तो फिर क्या होगा? किसान सोचेगा कि एक साथ सारा माल ले जाके ले चलो, जितना हो सके एक साथ ले चलो, क्योंकि सड़क बहुत ख़राब है। और तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा ये कि सप्लाई ऑफ एग्री प्रोड्यूस विल इंक्रीज, कृषि उत्पादों की जो आपूर्ति होगी मार्केट में बढ़ जाएगी। एंड व्हाट विल बी द आउटकम, रिजल्ट क्या होगा उसका? उसका रिजल्ट होगा कि कीमत ही नहीं मिलेगी उसको इस हिसाब से। और किसान कहाँ रहता है? किसान रहता है गाँव में। जब किसान को ही कीमत नहीं मिलेगी तो क्या गाँव की इनकम बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जब नहीं बढ़ेगी तो क्या ग्रामीण विकास हो पाएगा? नहीं होगा। और जब ग्रामीण विकास नहीं होगा तो क्या देश का कृषि विकास होगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा इंडस्ट्री के लिए? तो इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं होगी, मैन्युफैक्चर की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। जब मैन्युफैक्चर स्लो हो जाएगी, एग्रीकल्चर स्लो हो जाएगी, तो सर्विस सेक्टर क्या खाक भुनेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। बैंकिंग सेक्टर, बाकी जो सभी सेवा क्षेत्र है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फाइनेंसिंग है, वो सभी तब काम कर पाते हैं जब एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक ठाक तरीके से काम कर रही हों। ऑलरेडी पूरे ग्लोबली रेसेशन छाया हुआ है, मंदी सी आई हुई है, अब मंदन छाया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिर रही है। जब गिर रही है तो ऐसी स्थिति में अपने देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये आवश्यक है कि हम लोग रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दें, बिकॉज इट इज़ द क्रक्स ऑफ इकोनॉमी। और गांधी जी का डायलॉग तो याद होगा ही कि गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, तो रियल में बसता है। और आज जब आप कोरोना वायरस का कहर देख रहे हैं तो ग्रामीण इकोनॉमी ही शहरों को चला पाएगी, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी अनाज बंद हो जाएगा तो शहर वाले सिर्फ खिड़की और बालकनी से देखते रहेंगे, और देखते देखते उसी बालकनी पर चिपक जाएंगे, और वहीं उनको जंग लग जाएगी और ख़त्म हो जाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करना अति आवश्यक है, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। आगे बात करते हैं हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि ये सवाल एक बार यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है प्रीलिम्स में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हमारे पास बेहतरीन सुविधाएं हैं, पावर अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन सुविधाएं अवेलेबल हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अवेलेबल है, रोड अवेलेबल है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो इन्वेस्टर सोचेगा चलो चलो इंडिया चलते हैं, इंडिया चलते हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कहाँ तक आ गई? 63 तक खिसक के आ गई है, 63 पर आ गई है। इतनी कभी 2014 में काफ़ी हुआ करती थी, 150 के आसपास हुआ करती थी, 150 से खिसक के कहाँ आ गई? 63। क्यों आ गई? क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रहे हैं, और निवेशक सोच रहे हैं कि इंडिया इज़ द गुड डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस को करने में अगर हमको सहूलियत महसूस हो तो बिजनेस ज़्यादा हो पाएगा। आप सिंपली समझ सकते हैं इस बात को, ये कि भाई अगर हम किसी को सहायता प्रदान करते हैं तो वो जल्दी ग्रो कर पाता है, कोई खुद से ग्रो करता है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। तो यदि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवेलेबल करा दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईज कर दे, और आसान बना दे, तो इंडिया में बिजनेस और बढ़ेंगे, निवेश आएगा, विदेशी निवेश आएगा तो विदेशी निवेश के साथ टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। यदि वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है तो टेक्नोलॉजी भी आएगी, FDI है तो FDI के साथ टेक्नोलॉजी भी आती है, टेक्नोलॉजी होगी तो नए नए रोजगार बनेंगे, नए नए कंस्ट्रक्शन होंगे, नई नई फैक्ट्रीज बनेंगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। समझ गए होंगे? ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था
हम बहुत से लोग अब कोई नहीं जलाता होगा पुराने बल्ब जो ऐसे ऐसे चमकते थे जैसे कोई दूरी पर कोई एक बूढ़ा व्यक्ति बीड़ी पी रहा हो दूर से, ऐसी अक्सर जब लाइट अगर डिम हो जाए तो कम हो जाए तो ऐसे चमकते थे वो बल्ब, लेकिन आज LED के साथ ऐसा नहीं होता है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक, साथ ही दूसरी बात ये भी है कि पहले केरोसिन के लैंटर्न चलते थे, लालटेन जलाते थे, अर्गन जलाते थे लोग, पता नहीं क्या क्या दीपक, मिट्टी के तेल का दीपक जलाते रहते थे, तो वो सब क्या था, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था। तो अगर हमको एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और करना ज़रूरी भी इसलिए भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल आ गया है, अब तो इसमें ये नहीं सोचना है कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कोरोना खूब धूम मचा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, कोपिंग अप विद द क्लाइमेट चेंज, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रिंसिपल्स, दैट मस्ट बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक, आगे है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब होता है रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी, यानी लोगों के, समाज के लोगों के बीच में जितनी भी असमानताएं हैं उनको कम करना एंड फाइनली एलिमिनेट और उनको समाप्त करना, लोगों के, समाज के लोगों के बीच असमानताओं को कम करना, उनको समाप्त करना ही सामाजिक न्याय होता है। तो यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारी इंडिया की ट्रेन्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो, हाँ, जो विकलांगों के योग्य नहीं हैं, उनके लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं कि वो वहाँ जा सकें ठीक से, वो चढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या ये उनके साथ न्याय है? नहीं। तो हमको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है? हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है जो सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय को इंश्योर कर पाए। आज बहुत कम ही स्टेशनों पर आपको लिफ्ट मिलेगी। अब मान लीजिए कोई 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, उसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना हो तो वो सीढ़ियों से जाएगा, पता चला वो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते सड़क की सीढ़ी चढ़ जाए, तो क्या होगा? होगा ये ना कि उसके साथ अन्याय हो गया। तो उस अन्याय से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें जो सोशल जस्टिस क्रिएट करता हो। तो हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की समाज के लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फिर से हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर से इसको कंसाइज कर लेते हैं क्यों जरूरी है। पहले तो भाई सिंपल सी बात है कि ये वेल एक्सेप्टेड नोशन है, बिल्कुल पूर्व स्थापित सिद्धांत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि पावर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, बिजनेस करते हैं, रूरल कनेक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए और क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, जिससे कि भविष्य में होने वाले जो एग्रावेटेड हार्मनेसेस हैं, जो वृद्धित हानियाँ हैं, वो कम हो पाएँ। और साथ ही साथ फाइनली जो सबका जो लक्ष्य होता है, सरकार के सभी प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य होता है, दैट इज इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्राप्त करना। सोशल जस्टिस एक इतना बड़ा इशू है आज, इट इज मेंशनड इन द सिलेबस ऑफ UPSC एंड UPSC एज वेल, UPPCS और UPSC सिलेबस में मेंशन किया गया स्पेशली इसको, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस पर अलग से क्लासेस चलती हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस इकोनॉमी के वीडियो में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा कि क्या उसका लिटरल मीनिंग था, क्या उसका डिफाइनिंग मीनिंग था, क्या उसका क्लासिफिकेशन है हार्ड और सॉफ्ट में, और क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2005-06 में क्या कहा गया है, फिजिकल और सोशल वजह से बताया गया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्षण हैं और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये क्यों आवश्यक है। तो आगे आने वाली हम इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो में देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या भारत के सामने चुनौतियां हैं, व्हाट चैलेंजेस आर लाइंग बिफोर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इतने डिले हो जाते हैं। तो वी विल कंसोलिडेट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर टुडे वेरी वेरी थैंक यू फॉर ऑल।